मैं कब तक रोता रहूंगा, सरीना को बुलाओ वो भी रोएगा। नहीं सगीना, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जाओ, तुम सो जाओ बाबू साहब। हम और ये छोकरे है ना, ये हम दोनों भी इधर में तुम्हारे पास में सो जाएंगे। ये ललिता इधर, ये कैसे हो सकता है? हम लोग का तो दोस्ती है, दोस्त लोग तो जो भी करेंगे एक दूसरे के सामने करेंगे। हाँ, हाँ, वो तो ठीक है। सगीना मैं बाहर जा रहा हूँ। बाबू साहब, तुम सारा हमारा फ्रेंड है, हमारा गेस्ट है। तुम तुम्हारे को इधर में हमारा बाजू में सोना होगा, समझा? अभी तुम्हारा ये टांग लंबा कर दो। अरे टांग लंबा करो ना। करो। सुनते नहीं बोल, टांग लंबा कर। बंद करो, बंद। तुम भी स्लिप सर। अरे पहले तू स्लिप। ये बाबू साहब है ना, गुस्से में आएगा तेरे पे। बूम। सो जाओ। सगीना, तुम मुझे कभी कभी उलझन में डाल देते हो। हम साले क्या क्या? कितना खुला दिल है तुम्हारा, कैसे खुल मिल जाते हो तुम सब में। तुम्हारे प्यार में फीनी फीनी महक है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। सगीना, हम सबको तुम्हारी बड़ी जरूरत है। अरे हमारी क्या जरूरत है? एक दूसरे की जरूरत हम सबको है सगीना, क्योंकि एक स्वार्थी दल सारी दुनिया के मजदूरों का खून चूस रहा है, जुल्म ढा रहा है। इस जुल्म के विरोध में सबसे पहले खड़ा हुआ था फ्रांस का इंसान। बास्तिल के फौलादी दरवाजे को तोड़कर उसने राजतंत्र की ईंट से ईंट बजा दी। उसके बाद ही आई सोवियत रूस की क्रांति।
तोरा डोला मन तोरा डोला आग लगाई के मेरे जुल्मी बनता है भोला आग लगाई के मेरे जुल्मी बनता है भोला रोग बिकट है प्रेम का पगली तड़पेगी निस दिन फैक्ट्री नहीं गए? देखिए ना बाबू, एक दिन काम पर जाएगा तो दो दिन नागा। अरे चुप, शादी मैंने की है, तेरा भार भी मुझ पर, समझी? बाबूजी, उस्ताद मजदूरों को खबर देने बोला है आपके मीटिंग के लिए, इसीलिए तो निकला हूँ। उस्ताद? हाँ, हम सब का उस्ताद सगीना मातो। पम पम। दोस्तों, हम सभी शक्तिशाली है, मगर हमारा दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है। उनके पास है हथियार और वो हथियार है उनके दौलत, जो हमारे पास नहीं है। मगर सच पूछो तो वो है कायर, डरपोक, बुजदिल और अंदर हमसे ज्यादा कमजोर। ए बाबू साहब, ये कैसी बातें करते हो कि हम कमजोर भी हैं और ताकतवर भी? हाँ, कभी ये कभी वो, क्या मतलब है बाबू साहब? ए साला, पहले बात तो सुनो, बीच में काहे इंटरफियर कर रहे थे? अरे बाबा, कुछ समझ भी तो आए। तुम बोलो बाबू साहब, बोलो। हाँ, अच्छा ठहरे, हम ये लोग का बोलो ऊपर समझाएंगे आज। हम बोलेंगे बाबू, क्यों नहीं? हाँ, जरूर। खामोश। देखो साथियों, वो अपना कलकत्ता में वो है दत्ता बाबू है ना, वो बाबू साहब को इधर भेजा। पहले तो हम इसका दाढ़ी वीढ़ी देख के हम समझा कि कंपनी का कोई टिकटिकी है, तब हमको उल्लू बनाने को आया, कुछ गोलमाल करने को। तो हम क्या क्या रात को लगा दिया, एकदम पूरा खलास कर देंगे। लेकिन वही टाइम में हमको पता चल गया, यही तो साला शरीफ आदमी है, गुड मैन है। हाँ, तो आप कम खड़ा इधर, आप तकलीफ का होगा साहब, बैठो, हम बात करेंगे। समझाता होगा बराबर क्या? अभी ये दाढ़ी वाला बाबू क्या बोलता है, जौन हम मजदूर लोग सब मिल के एक हो जाएंगे तो हमारा ताकत बढ़ जाएगा, है कि ना? और जब हमारा ताकत बढ़ जाएगा तो इस साला इतना बड़ा अंग्रेजी कंपनी ये हमसे डरेगा, है कि ना? और जो कंपनी हमसे डरेगा तो हमारे ऊपर जुलूम नहीं कर सकेगा, हमारी बहू बेटी की इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकेगा। हम पूछा तुमका, यही साला तुम लोगों में खराबी है, बात सुना ना सुना? हाँ, पहले से ही। यही खातिर हम सब लोगों का एक होना पड़ेगा, और एक हो के साला ये बाबू साहब का पार्टी में हम भर्ती हो जाएंगे, है कि ना?
कानून को अपने हाथ में मत लो। भाग गया तुम्हारा कानून बाबू। देखो कुत्ते का बच्चा हमारी बच्ची की क्या हालत क्या। देखो मार मार। इसको छोड़ देना होगा इंस्पेक्टर साहब। सगीना, कंपनी ने बादल के नाम डायरी दर्ज कराई है। स्मिथ साहब को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, उनकी हालत खराब। बेगैरत निकला, साला अभी तक जिंदा है। अगर मर गया तो दफा 302 लग जाएगी। लगा दो 302 402। अगर उधर बच गया साला तो साहब इधर खत्म होगा। कानूनन मैंने इसे गिरफ्तार किया है। सगीना सामने से हट जाओ, जो कहना कचहरी में कहना। बेआईनी काम मत करो सगीना। कानून को तोड़कर इस जुर्म का बदला तुम नहीं ले सकोगे। इस अत्याचार का मुकाबला करना है, इसे हटाना है। इस वक्त तुम खुद हट जाओ रास्ते से। और सब लोग मिलकर तैयारी करो सगीना, तैयारी करो आखिरी जंग की जो तुम्हारे सामने है। ले जाओ इसको सर। आज से कौन साला एक कंपनी के काम पे नहीं जाएगा, और जो जाएगा हम उस साले की खोपड़ी खोल देंगे। काम बंद। पागलपन मत करो सगीना। काम इस तरह बंद नहीं हो सकता है। हड़ताल करनी है तो पहले कंपनी को मुनासिब नोटिस देना होगा। ये गैर कानूनी बात है। अरे रहने दो तुम्हारा कानून बाबू, रहने दो। तुम साला पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन बेवकूफ। एक साला जानवर हमारी बच्ची के आबरू पे हाथ डाला। हम उस साले की ठुकाई किया, हम उसकी मरम्मत किया। तुम्हारे पास ताकत है, तुम सारा हमारा आदमी गिरफ्तार कर लिया, कर लो, कर लो। तुम अभी एक गरीब आदमी का दम देखो। तुम देखो